हस्बैंड अगर तो आप सब ठीक है, आपके सारे बाट भी बहुत अच्छे और मैं और आज आप देखे मेरा यूट्यूब चैनल बासत बाट ब्रीडर। तो आज आपको दिखाएंगे मेरा गोल्डन फिंच का चिक्स जो कि मैं फर्स्ट जनवरी को लेके आया था दुर्गा नगर स्टेशन के पास संजय दा के पास से। तो उन्होंने बहुत अच्छा फिंच दिया था हमें, देख सकते यहाँ पर है पूरा, मैंने तीन पैर लिया था और ये अभी मोल्डिंग स्टैंड इनका हो चुका है। जो जब मैंने पहले बार गोल्डन फिंच लिया था तो बहुत सारे फ्रेंड बोल रहा था कि भाई गोल्डन फिंच रखना बहुत मुश्किल बात है, उनको बचाना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी मैं जाके यूट्यूब का जो पहला पेमेंट आया था उससे ये तीन पेयर जो है गोल्डन फिंच ख़रीदा था। तब देख सकते ये अभी मोल्डिंग स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत कलर भी आ रहा है, देख लीजिए। तो सबसे ज़रूरी बात जो संजय दा है, संजय घोष दादा और दुर्गा नगर के में उसका घर है, तो उन लोगों ने बहुत अच्छे फिंच का चिक्स हमें दिया था, गोल्डन फिंच का चिक्स। तो देख सकते हैं अभी पूरा मोल्डिंग हो चुका है, पूरा नहीं मोल्डिंग स्टार्ट हो चुका है, कुछ सबका थोड़ा बहुत कलर आ चुका है और भी एक बार मोल्डिंग होगा शायद, क्योंकि मेरे पास जो गोल्डन फिंच मैंने पहली बार लाया हूँ इसलिए इसके बारे में मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितना भी मैंने जाना है और दादा ने दादा के साथ फ़ोन करके मैंने जाना था वही सब कुछ किया मैंने, कुछ कैल्शियम मल्टीविटामिन यूज़ करता हूँ मोल्डिंग के टाइम पे, ज़्यादा कुछ भी नहीं करता। तो अगर किसी को गोल्डन फिंच लेना हो तो संजय दा के पास फ़ोन कर लेना, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में संजय दा का नंबर दे दूँगा। उनके पास ब्लैक चिक वगैरह, गोल्डन लॉन्ग टेल आउल फिंच, सारा एग्जॉटिक फिंच जो भी आपको चाहिए सब कुछ ईजिली अवेलेबल है, मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है संजय दा के पास आपको गुड क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का बार्ड मिलेगा। तो जैसा कि ये सब चिक्स मैंने लाया था छोटा छोटा जिसका कलर भी नहीं आया था एकदम, अभी तो मेरे पास थोड़ा थोड़ा करके कलर आ रहा है, मतलब मोल्डिंग होके मैं एकदम छोटा था, कुछ भी कलर नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा करके कलर आ रहा है और जितना कलर आ रहा है उतना इनका मतलब क्या बोलूँ, हेल्थ भी बहुत अच्छा हो रहा है। सिंपल सी कुछ मेडिसिन मैंने यूज़ किया, कैल्शियम और विटामिन का, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं यूज़ किया। मैं दादा से बात किया था भैया कौन सा विटामिन कौन सा कैल्शियम यूज़ करे गोल्डन फिंच के लिए स्पेशल, तो बोला भाई स्पेशल कुछ नहीं है, जो हम आम फिंचेस के लिए, जेब्रा फिंचेस के लिए या बंगाली फिंचेस के लिए यूज़ करते वही यूज़ करो। तो वो यूज़ किया और मैं वीकली एक बार एक फूड देता हूँ, मतलब सात दिन बाद एक दिन करके एक फूड मैं इनको देता हूँ। तो एक फूड वो ब्रेड के साथ देता हूँ, उसका अलग अलग वीडियो है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि गोल्डन फिंच के ऊपर और एग्जॉटिक फिंच के ऊपर मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जितना सारा नॉलेज अभी मेरे पास है थोड़ा बहुत वो पूरा और संजय दास से पूछ के मैं हुआ है, ठीक है। तो उनका बहुत सारा बहुत पहले दिन से गोल्डन का ऊपर एक्सपीरियंस है, इस हिसाब से मुझे वो बहुत हेल्प करते हैं। आपको अगर किसी को गोल्डन लेना है तो दादा से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और चार पांच दिन बाद मैं दादा के पास दोबारा जाऊंगा, देखते हैं। और कुछ लॉन्ग टेल का चिक्स मुझे चाहिए था, लॉन्ग टेल का भी सेटअप बनाएंगे इसलिए, तो अगर मैं लॉन्ग टेल लाऊंगा तो आपको उसके ऊपर से एक अलग से वीडियो बना के जरूर दिखा दूंगा। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक जरूर लाइक देना और मेरे चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं गोल्डन लॉन्ग टेल पॉक्सल वार्ड फिंचेस जेब्रा फिंचेस व्हाइट फिंचेस सबके ऊपर थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके जितना भी मुझे मालूम है उसके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई गोल्डन का लॉन्ग टेल का व्हाइट फिंचेस का जेब्रा फिंचेस का सबका एक मिक्स कॉलोनी बनाऊँ। तो आपका अगर कुछ आइडिया है भाई मिक्स कॉलोनी कैसे बनाते हैं गोल्डन फिंच या एग्जॉटिक फिंचेस का तो ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, अब लोग बताएंगे तो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगा। देखो भाई एक चीज़ मुझे तो समझ में आ गया कि बहुत सारे लोग जो है एग्जॉटिक फिंच करते मेरा चैनल देखते मेरा यूट्यूब में वीडियो देखते और वो लोग मैं जितना इन्फॉर्मेशन देता हो सकते कि उसमें कुछ गलती हो जाए, तो भाई लोग जो मेरा मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है जो मेरा एकदम दादा के बराबर है जो मुझे हेल्प करना चाहते हैं, तो भाई सब लोग भी आपको बोलूँगा कि भाई ज़रूर कमेंट करना, मैं अगर कुछ गलती भी कर रहा हूँ ना वीडियो में मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूँ तो आप लोग ज़रूर मुझे बता देना कि भाई तुम ये करते हो ये गलत है और अब तुम जो ये करो तो सही हो जाएगा। तो सबका हेल्प मुझे चाहिए क्योंकि बाट के लाइन में बिजनेस के लाइन में या ब्रीडिंग के लिए तो एक खुद कुछ भी नहीं कर सकता, किसी ना किसी को तो हेल्प लेना ही होगा।
तो सबको से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि भाई जितना आपको अगर मैं कुछ गलती वगैरह कर रहा हूँ ना तो आप लोग जरूर मुझे सही रास्ता जो है बता देना, ठीक है। यही आपके सबके पास मेरा रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक देना, चैनल में नए होते तो सब्सक्राइब करना, और मिक्स कॉलोनी कैसे बनाते हैं और किस तरह से बनाने में सबसे अच्छा होगा वो भी आप लोग जरूर कमेंट करके एक बार बता देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।